हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मनपसंद खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैंने बनाई है बर्फ़ी, वो भी ऐसी बर्फ़ी बिना खोए से बनाई है मैंने, और टेस्ट तो इनका लाजवाब है। तो एक बार तो ये बर्फ़ी बनानी बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं बर्फ़ी बनाना। देखते हैं किस किस सामान की ज़रूरत है हमें बर्फ़ी बनाने के लिए। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप देसी घी लिया है, एक चौथाई कप मैंने मैदा ली है, आधा कप चीनी और एक कप पानी लिया है। चलते हैं गैस की तरफ बर्फ़ी बनाने के लिए। गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें घी डाल देंगे और साथ में ही मैदा ऐड कर देंगे। गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और चलाते हुए मैदा को भून लेंगे, ताकि मैदा का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तेज़ गैस पर नहीं भूनना है, मैदा का कलर चेंज हो जाएगा नहीं तो। अगर हमें वाइट बर्फी बनानी है तो स्लो गैस पर ही ये प्रोसेस करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैदा को भूनते हुए मुझे 7 मिनट हो गए हैं। मैदा भून चुकी है, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लंच बॉक्स लिया है, उसे बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। आप इसकी जगह पर ट्रे या थाली भी ले सकते हैं। अब बर्फ़ी के लिए चाशनी बनाएंगे। गैस पर पैन रखा है, इसमें आधा कप चीनी और एक कप पानी ऐड करेंगे। चीनी को घुलने तक पकाएंगे। कल मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो उसकी चाशनी भी रखी हुई है, तो वो भी इसमें छान कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए हल्का सा चाशनी का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये गुलाब जामुन की चाशनी थी। यहाँ पर 2 इलायची ली है, इनको अभी मुँह खोल कर डाल देंगे। और एक तार की चाशनी बनानी है इसमें हमें। देखिए एक तार की चाशनी बनकर हो गई है तैयार। अब गैस को बंद कर देंगे और जो भून कर रखा हुआ मैदा था वो इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे हम मैदा को मिक्स करेंगे और मैदा और चाशनी जो है ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा बैटर जो है सख्त होता जाएगा। देखिए इस तरह से हिलाते हुए हम बैटर को जो है ठंडा कर लेंगे। हमें इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से छू सकें। बर्फी के बैटर को मैंने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। स्पून के घी लगाकर इसे हम एक जैसा फैला लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया, बादाम की कतरन और काजू। थोड़ा सा चम्मच से इसे दबा देंगे ताकि ये सेट हो जाए, और 2-3 घंटे के लिए हम ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। देखिए बर्फ़ी हमारी जो है बनकर हो गई है तैयार। बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी जो है आसानी से निकल जाती है, देखिए कहीं भी चिपकी नहीं है। चाकू के थोड़ा सा घी लगा लेंगे और अपने मनपसंद पीस जो हम काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है, आपको मेरे काटने से ही पता लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बर्फी बना सकते हैं विदाउट खोए के। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए एक बर्फ़ी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बर्फ़ी
बर्फ़ी बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली बनी है। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।